नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशीर्वाद इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप देख सकते हैं जयपुरी सब मीटर है जो ज़्यादातर रेंट के मकानों में लगे होते हैं, और आप देख सकते हैं हमने पूरा इस पर लोड डाल रखा है। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट इसकी जो रीडिंग है वो चल रही है। इस टाइम हमारा फ्रिज फैन सब ऑन है, तो आप देख सकते हैं कितनी फास्ट ये चल रहा है। तो इसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं वो मैं जानकारी आप सभी से शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं इसकी जो सारी वायर है सब ब्लैक कलर की है, और हमने पूरा बोर्ड इस पर चालू कर रखा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक कनेक्शन को ध्यान से समझिएगा। मैं इसको स्लो करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी रीडिंग को हाफ कर सकते हैं। ये जो ब्लिंक कर रही है इसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पूरे दिन में 8 से 10 यूनिट आती है, तो मैं इसको बिल्कुल हाफ़ कर दूंगा। इसको 3 से 4 या हद लास्ट 5 यूनिट आपकी इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसको हाफ़ यूनिट पे कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आप सभी के साथ इस जानकारी को शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सारा जो काम है ये चालू लाइन में होगा। तो आप सभी इसको ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होने का या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों वीडियो को। बाद में आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने कनेक्शन गलत तरीके से बता दिया, या कुछ कनेक्शन में स्पार्क हो गया, पटाखा हो गया। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक कनेक्शन को ध्यान से समझना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मीटर को ओपन करते हैं, और ओपन करके मैं आपको इसका पूरा जो कनेक्शन का प्रोसेस है वो बताऊँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए इसको स्लो करने के लिए वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये 4 mm की मेरे पास थोड़ी सी एक वायर का टुकड़ा है। आप चाहे से 1 या 1.5 मीटर वायर लेके आप इस मीटर को इजीली स्लो कर सकते हैं, और वो कैसे होगा वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अब हम इसे मीटर को ओपन करते हैं, और उसके बाद कनेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आप सभी को इसमें शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके मैं आप सभी को इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। ये देखिए, आप इसकी लाइट पे भी ध्यान दे सकते हैं कितना ये फास्ट चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स सब मीटर में क्या होता है ये देख सकते हैं आप, टेस्टर में फेस आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल दिन का उजाला है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप आ रही है। ये देखिए, तो इस चक्कर में टेस्टर की जो लाइट है वो आपको स्लो दिख रही होगी। ये देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें फेस आ रहा है, और फेस ये इस वाले पॉइंट से आ रहा है, इसमें इसमें न्यूट्रल है दोस्तों, और इस वाले पॉइंट में भी न्यूट्रल है, और इस वाले पॉइंट में फेस आ रहा है इस वाले में। ये देखिए 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, और ये जो घर ये मीटर की जो आउटपुट जिसमें जाएगी ये वो न्यूट्रल है, और ये फेस है। तो अब हमें इसमें ऐसा क्या करना है जो ये हमारा मीटर स्लो हो जाएगा। आप इस रीडिंग को ध्यान से नोट करते जाइए। नहीं ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से ये 4 mm की डबल वायर ले ली है, 2 टुकड़े इसके आपस में हमने जोड़ दिए है, और अब ये मीटर में हम इस तरीके से इसमें लूपिंग देंगे, और वो आप सभी को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा आप टाइट इसको करेंगे, आप पहले रीडिंग भी नोट कर लीजिए, रीडिंग कितनी तेज़ हमारी चल रही है। इस रीडिंग को भी देखते रहिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि रीडिंग हमारी कैसे स्लो है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस इसमें करना है। आप देख सकते हैं अभी लाइट हमारी चली गई है, तो इस वायर को आप अच्छे से छील लीजिए, और छीलने के बाद इसके साथ इसमें जॉइंट करना है। देखो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, क्योंकि चालू लाइन में काम होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक इस काम को करना है। और दोस्तों इसको जो घर के जो बिजली के मेन मीटर होते हैं दोस्तों BSES वाले, उसमें इसको कभी गलती से भी ट्राई ना करें, उससे स्पार्किंग हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सब मीटर को स्लो करने का जो देसी जुगाड़ है वो मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, ये वाली जो फेस की जो चालू लाइन है ये वाली, आप इसकी रीडिंग को भी नोट करते रहिए, और ये वाली आप देख सकते हैं कि कैसे इसको हम स्लो करते हैं। इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे दोस्तों। इसमें न्यूट्रल है इस वाले पॉइंट में, और इसमें फेस है, तो ये दोनों आपस में टच ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आपको इस काम को करना है, क्योंकि ये टच होते स्पार्क हो सकता है या पटाखा हो सकता है। तो बहुत ही केयरफुली के साथ इसको आप करें।
ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए स्पार्किंग आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये बिल्कुल चालू लाइन है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत सावधानी के साथ इसको करना है। ये आप देख सकते हैं लाइट हमारी इसमें आ चुकी है, और इस लूपिंग को आपको अच्छे से इस तरीके से प्लास से टाइट कर देना है, और बहुत ही सावधानी से इस काम को आपको करना है। और टाइट करने के बाद जो मीटर की इनपुट वाली जगह है दोस्तों, उस जगह पर आपको इस वायर को लगा देना है। तो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वायर हमने इसमें कम्प्लीटली जोड़ दी है, और अभी हमारा ये जो मीटर है बंद हो गया है, क्योंकि मेन फेस हमने इसमें से निकाल दिया है। और बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसको इसमें इनपुट में लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से लगाने के बाद हमें इसे टाइट कर देना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अभी आप रीडिंग देख लीजिए, हमारा सब कुछ इसमें बिल्कुल चालू है। बोर्ड हमारे पहले भी सारे स्विच ऑन थे, और अभी भी कम्प्लीटली सब चालू है। और आप रीडिंग आप नोट कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि कितना इस रीडिंग में फ़र्क पड़ा है। ये देखिए बिल्कुल दोस्तों हाफ़ का इसमें फ़र्क आ गया। ये देखिए कितनी देर में ये रीडिंग ले रहा है, कम से कम 8 से 10 सेकंड या 20 सेकंड करीब ये ले रहा है। और पहले जो रीडिंग आ रही थी वो आप वीडियो को बैक करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये जो लूपिंग है ये लूपिंग देनी है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो लूपिंग हमारी इसमें नज़र आएगी, तो इसका जो सिंपल और ईजी प्रोसेस है वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। जो आउटपुट की वायर आ रही है ये हमारे इस बोर्ड के अंदर से आ रही है, ये वाली जो वायर है, और ये जो मेन वायर आ रही है ये वाली, ये फेस की वायर भी इस बोर्ड के अंदर से आ रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो लूपिंग है इस बोर्ड के अंदर आपस में दोनों तार छील के और उस जगह पे लगा देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको इस बोर्ड को ओपन कर लेना है, और अभी यही लूपिंग मैं आपको इस बोर्ड के अंदर करके दिखाऊंगा। तो पूरा प्रोसेस आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी एक जो इनपुट की जो मेन वायर आ रही है, ये वाली ब्लैक वाली, आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे, ये वायर यहाँ पे आ रही है, ठीक है दोस्तों। और ये वाली जो वायर है हमारी, ये जो आउटपुट वाली है, ये वायर हमारी इस स्विच बोर्ड में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे छीलेंगे, एक वायर को यहाँ छीलेंगे और एक वायर इसमें जोड़ के इन दोनों को आपस में लूपिंग दे देंगे इस वायर की। तो अभी फ़िलहाल हम इसको निकाल के बोर्ड के अंदर कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि रीडिंग में हमारे फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, ये चालू लाइन है, हम पूरा इसका काम जानते हैं। तो आप इस तरीके से हाथ से वायर को ना जोड़े, आप प्लास या किसी टूल्स की सहायता से इसको काम को करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लूपिंग वापसी हटा दी है, और बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस काम को करना है। देखिए अब इस लूपिंग का हम कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आप सभी को दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली जो वायर है, हम पहले इसको सही कर लेते हैं, इसका जो कॉपर फैल रहा है। अब ये वाली वायर हम अब इस मीटर में लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रीडिंग किस तरीके से हमारी वापस वैसे ही चलने लग गई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ इनपुट पे अगर दोस्तों एमसीबी लग रही है, यहाँ पे अगर एमसीबी लग रही है, तो उस एमसीबी को ऑफ़ करने के बाद ही आप इस काम को करें। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों एमसीबी नहीं है, ये नीचे से मीटर से डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। तो अब मैं इस वायर में, ये देखिए दोस्तों, एक हमने वायर इस लूपिंग में लगाई थी, और एक वायर जो ये फेस की आ रही है दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं, पूरी क्लियर दिखा सकूँ। ये देखिए, ये वाली जो वायर है, आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो वायर है, ये ब्लैक वाली वायर, ये हमारी यहाँ आके जुड़ रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से छील देंगे, और यहाँ से छीलने के बाद दोस्तों ये जो हमारी आउटपुट वाली वायर है, इसको भी हम बीच में से कट लगा देंगे इस तरीके से। इसको कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो लूपिंग है हमारी, ये वाली जो लूपिंग है, ये एक वायर इसमें जोड़नी है और एक वायर इसमें जोड़नी है, इसमें लगानी है, और लगाने के बाद प्लास से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको टाइट कर देना इस तरीके से। बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों आपको इस काम को करना है,
क्योंकि ये चालू लाइन है, इसमें करंट लगने का खतरा बना रहता है दोस्तों, तो बहुत ही सावधानी के साथ इस लाइन को कर, ये देखिए आप इसमें रीडिंग को आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक एक दो दो सेकंड में ब्लिंक कर रही है, और मैं भी कैमरामैन को बोलूँगा आपको ये जूम करके दिखाई। ये देखिए रीडिंग भी आप दिखाइए और ये भी दिखाइए, आप थोड़ा सा दूर से दिखा दिए, दोनों चीज़ें आपको दिख रहा होगा, रीडिंग भी दिख रही होगी। और अब ये जो लूपिंग है मैं इसमें जोड़ने जा रहा हूँ, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि हमारा रीडिंग में फ़र्क पड़ा है, इसमें नहीं पड़ा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको टाइट करना दोस्तों, जब तक रीडिंग में फ़र्क नहीं आएगा जब तक आप इसे अच्छे से टाइट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये हमारा मीटर इसमें स्टेम अभी स्लो हो चुका है। ये देखिए आप हमारी वीडियो को बैक करके भी इसमें देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी और भी ऐसी नई इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आप सभी से मेरी एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।